मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यहाँ पर जो आदिकाल से संबंधित कुछ रचनाएं थी वो एक साथ मैंने लिखी है। ये जो रचनाएं हैं, पूरी की पूरी रचनाएं आदिकाल में आई हुई रचनाएं हैं, इनको एक साथ मैंने कर दिया है। तो इनको आप थोड़ा सा यहाँ से भी जो है तैयार कर सकते हो। देखिए, पूरी की पूरी ये लिस्ट है और इसको आप लगा सकते हो अपने इस पे नोटिस पर या बोर्ड पे वहां पर, तो ये आपको याद हो जाएगी। श्रवाकाचार जो रचना है वो किसके साथियों? देवसेन की रही है। श्रवाकाचार रचना किसकी रही है? श्रवाकाचार जो रचना है वो देवसेन की। आप सबको पता है ये चीज है या नहीं बताओ। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी की पूरी रचनाओं को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। एक भी रचना आपके यहाँ पर छूटने वाली नहीं है। अगर आपने देखो पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल पढ़ा है तो यहाँ से जितनी भी रचनाएं इसमें आई हैं वो पूरी की पूरी रचनाएं इसमें मैंने लिखी है। ठीक है भाई? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। फिर भी मैं देख लेता हूँ, अगर कोई रचना छूट रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। साथियों, मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा छूटेगा नहीं इसमें, क्योंकि मैंने पूरी रचनाओं को इसमें लिया है, एक एक चीज मैंने इसमें लिखी है। चलिए देखिए, अब है दोआकोश। दोआकोश किसने लिखा? सरप्पा के द्वारा लिखा गया है। सबको पता है ना भाई ये बात। दोआकोश किसकी रचना है? सरप्पा की है। इसके बाद में है चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की है। योग चर्या किसकी है? डोम्बिपा की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। चंदन बाला रास किसकी है? आसगु कवि की है। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए कि श्रवाकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है। दोआकोश किसकी रचना है? सरप्पा की है। चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसगु कवि की है। स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? जीन धर्म सूरी की रचना है। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की रचना है। ठीक है ना? ऐसे आपको ट्रिक बना लेनी है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। तो बस इस तरह से आप ट्रिक बना लीजिए। BS तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की, चंदन बाला रास आसगू कवि की, स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? जीन दत्त सूरी की है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? सजी यानी कि SG, इस तरह से ट्रिक बना लो। रेवंत गिरी रास किसकी रचना है? विजयसेन सूरी की रचना है। तो यहाँ पर रवि, इस तरह से ट्रिक बन जाएगी। रेवी रेवी तो रवि की ट्रिक बना लो। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? नेसु। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक बना लो। NS तो नेमिनाथ जो रास रचना है वो सुमुति गुणी की रचना है। पहुमचर्य किसने लिखा? स्वयंभू ने लिखा। महापुराण पुष्प दंत ने। ये मुख्य मुख्य रचनाएं जो आई है आपके आदिकाल में हमने पढ़ी है, उनको मैंने एक जगह पर सहेज करके रखा है और आप लोग इनको एक जगह पर भी पढ़ सकते हो और आप भी लिख लेना अपने रजिस्टर में। भविष्यत कहा जो अभी आपने फाइनल जो पढ़ा होगा ना, उसके बाद में इनको लिख लेना एक पेज पर। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की है। संदेश रसक अब्दुल रहमान की रचना है। उपदेश रसायन जीन दत्त सूरी की है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध जो है सोम प्रभ सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना मानी जाती है। परमार्थ प्रकाश और योग सार जोयंदु की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। राहुल वेल रोड़ा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है साथियों दामोदर शर्मा की रचना है। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। मयंक जय मयंक जस चंद्रिका, मयंक आ रहा है तो यह मधुकर कवि आ जाएगा। म से म मिला लेना इसमें, ठीक है ना? तो हो जाएगी याद। हरिचरित्र जो है लालच दास की रचना है। हरिचरित्र लालच दास। नल दमयंती कथा व्यास कवि की रचना मानी जाती है। नल दमयंती कथा किसकी? व्यास कवि की रचना मानी जाती है। कनक मंजरी कांशीराम की। बेली कृष्ण रुखमनीरी पृथ्वीराज की। परमार रासो जगनिक की रचना मानी
जाती है मित्रों। तो इस प्रकार से ये आदिकाल में आई हुई पूरी की पूरी जो है 30 रचनाएं मैंने यहाँ पर लिखी है, जो मुख्य है, जिनको बार बार पूछा जाता है। तो आदिकाल में आई हुई पूरी रचनाएं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। श्रवकाचार देवसेन की, दोहा को सर्वपा की, चर्यापद सबरपा की, योगचर्या डोम्बिपा की, भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी की, चंदन बाला रास आसगु कवि की, स्थूलीभद्र रास जीन धर्म सूरी की। इसके बाद में रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गणी, पहुमचरिव स्वयंभू की, महापुराण पुष्पदंत की, भविष्य कहा धनपाल की, संदेश रासक अब्दुल रहमान की, उपदेश रसायन जीन दत्त सूरी की रचना है, शब्द अनुशासन हेमचंद्र की रचना है, कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूरी की है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है, प्रमात प्रकाश योग सार जोयिंदु की रचना है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, राहुल वेल साथियों यहाँ पर रोड़ा कवि की रचना है, उक्ति वेक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की, हरिश्चरित्र लालच दास की रचना है, नल दमयंती कथा व्यास कवि की है, कनक मंजरी काशीराम की है, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की है, परमार रासो जगनी की रचनाएं साथियों। अब रासों में तो मैंने आपको पूरे जो है रासों की पूरी जितनी रचनाएं थी वो सारी बता दिए, लेकिन ये कुछ अलग रचनाएं रही हैं जो मतलब याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इनको एक साथ मैंने एक पेज पर ले दिया है ताकि आप एक साथ इनको पढ़ पाओ, क्योंकि अलग अलग तो आप पढ़ ही रहे हो, फिर एक साथ यहाँ पढ़ लो तो ये सारी की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएगी। मित्रों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आपको दिख भी रही होगी, तो इसलिए यार कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे जो है ना प्रोत्साहन और उत्साह मिलता है साथियों। मुझे भी मेरी भी इच्छा होती है कि यार जब आपका कमेंट आता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, ये मुझे भी फील होता है, तो मेरी इच्छा होती है यार मैं और अच्छी मेहनत करूं और कुछ अच्छी चीज बच्चों को दूं ताकि उनको भी लगे कि नहीं यार अच्छी चीज मिल रही है और मैं इस चैनल से जुड़े हुए रहना चाहिए। तो ये कमेंट आपके अगर आते हैं, मेरी मेहनत में अगर थोड़ी बहुत भी कमी है तो प्लीज आप बताइए मुझे आपको और क्या चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये और आप कर दो तो और अच्छा हो जाएगा सर। दूसरी बात मैंने आपको बोला है कि आपको जो है आज पेपर मिलेगा, आज हम लोग टेस्ट लेंगे आदिकाल से संबंधित, और वो पेपर मैं अपलोड करूंगा आपको इवनिंग में। आज संडे है तो इवनिंग में मैं वो पेपर अपलोड करूंगा, उसमें आंसर की अपलोड नहीं करूंगा। आप पहले पेपर दे लीजिए, आंसर लगा लीजिए, उसके बाद में मंडे को हम उसकी आंसर की मैं आपको रिलीज करूंगा। तो ठीक है, तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से आपको फायदा होगा इनसे, और अच्छी तरह पढ़िए साथियों। और मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है तो आप बता सकते हो मुझे कि सर इसकी रचना का तो ये था राइटर, आपने ये बता दिया, तो हो भी सकती है। देखो मैं इस बात, क्योंकि पारंगत कोई नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास इतना बड़ा है कि कोई पारंगत हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत सहज करके इनको लिखा है। आप लोग ध्यान से और याद करिए, मेहनत करिए, सक्सेस जरूर हो जाओगे, जुड़े रहिए बस साथियों, और लोगों को भी जोड़िए, ये आपका ही काम है, आप किस तरह से मुझे प्रोत्साहन और उत्साहित करते हो। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।